अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ जो एयरपोर्ट से लिया गया है, कुआलालंपुर एयरपोर्ट से लिया गया है। और एक भाई हमारे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं और उन्होंने मतलब वीडियो में भी तफसील काफ़ी बताई है, उर्दू में उन्होंने काफ़ी तफसील बताई है। उनके एक साथ एक भाई थे, उन्होंने ये वीडियो मुझे भेजी और बताया है कि आप लोगों को बताएं कि विजिट वीज़ा पर मत आएं, नहीं तो ये हाल होता है। तो वो बहुत बड़ी तादाद में डिपोर्ट हुए हैं और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो 5-5 लाख लगाकर, 4 लाख लगाकर, वो भी विजिट पर मलेशिया आ रहे थे और डिपोर्ट हो गए हैं। तो इस वीडियो को गौर से देखें और इससे सबक लें कि विजिट पर क्या हाल हो रहा है। ये तो सिर्फ एयरपोर्ट पे हो रहा है, उसके बाद अगर आप मलेशिया में आ जाते हैं और फंस जाते हैं, काम नहीं मिलता आपका, वीज़ा नहीं लग रहा, आजकल जो विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं उनके वीज़े नहीं लग रहे हैं, कोई आपको कहे ना कि वीजे लग रहे हैं तो वो झूठ बोल रहा है आपसे। जब तक प्रूफ ना हुआ बिल्कुल यकीन मत करें, वीजे नहीं लग रहे हैं और हालात बहुत खराब हैं। आप मलेशिया आके विजिट पर बिल्कुल अपना आप को खराब मत करें, अपना फ्यूचर तबाह मत करें। बहुत शुक्रिया, ये क्लिप देखें और इसे कुछ सबक लें। अल्लाह हाफिज। साहब जी, मेरे पाकिस्तानी भरा जो सारे ठीक है, 5-5 लाख रुपया, 4-4 लाख रुपया बेचारे ला गए जो विजिट दे वीजे ते, ठीक है। नजरा चेक करो, वहां नजर आ रही जे ऐ बड़ी लंबी लाइन है के जहाज तक जान सीधा एनजी लाइन जे ते सारी आवाम जेडी ना डिपोर्ट हुई है। कोई किसी का नुक्स नहीं है, कोई कुछ भी नहीं किसी नु होया, सिर्फ सारे ऐसे चक्कर जे किसी का कोई पासपोर्ट नहीं चेक करते, किसी का वीजा नहीं चेक करते कि वीजा लगा है, शो मनी नहीं देंगे है। हालांकि लोग अपनी शो मनी लैके आए ने, अपना सारा प्रोटोकॉल लैके आए ने, लेकिन वही है नहीं मानते हैं, ये नहीं सुनते, ना डिपोर्ट कर छड़ी वहां सारे, ठीक है। जहाज बैठाना जी, ठीक है। मेरा भरा विजिट ते आने वाले, जरा थोड़ी तैयार कर लो, मैं गलती कर बैठा, तुसी ना गलती करो, ठीक है। वेखो मेरा भरा बड़ा परेशान बैठा है, आए 5 लाख रुपया ला के आया जे, डिपोर्ट हो गया जे, कर्जे चुके आया बेचारा मेरे यार, ठीक है।